Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. पैट कमिंस की अगर बात की जाए तो आम तौर पर उनकी गेंदबाजी से उनको एसोसिएट किया जाता है, लेकिन जब आईपीएल सामने आता है तो उनके बल्ले से जो उनका रौद्र रूप है वो सामने आने लगता है। और कल कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जब मुंबई इंडियंस और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच में मैच खेला गया और एक तूफानी पारी खेली पैट कमिंस ने। 14 गेंदों में उन्होंने 50 रन जड़ दिए और 15 गेंदों में 56, जी हाँ 56 इन्होंने रन्स बनाए, जिसमें 6 छक्के और 4 चौके मौजूद थे और केएल राहुल की बराबरी कर दी। जी हाँ, फास्टेस्ट आईपीएल 50 केएल राहुल ने 2018 में बनाया था दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ, और केएल राहुल की याद दिला दी। और कल पैट कमिंस जो हैं गेंदबाजों की बूंदियाँ उड़ाते नजर आए। इसके साथ ही आप एक बड़ा इतिहास तो उन्होंने रच ही दिया, लेकिन मुंबई इंडियंस की पहली जीत इस सीजन हो पाती उस पर उन्होंने पानी फेर दिया। आइए जानते हैं कि इस इनिंग्स के बाद पैट कमिंस ने क्या कहा। मैं अभी अपनी इस पारी से बहुत हैरान हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरा प्लान कामयाब रहा। मैंने ज्यादा सोचा नहीं और मन बना लिया था कि अगर बॉल मेरे पाले में होगी तो मैं बल्ला घुमाऊंगा। मैं खुश हूँ कि अपने सीजन के पहले गेम में ही ऐसा कर पाया। मैं छोटी बाउंड्री को टारगेट कर रहा था। ऑक्शन के बाद टीम में काफी बदलाव हुए, लेकिन मैं टीम के साथियों के साथ रिलैक्स्ड हूँ। पैट कमिंस शायद आईपीएल इतिहास में सबसे अंडररेटेड बल्लेबाजों में से एक है। कमिंस ने मुंबई के खिलाफ सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक ठोककर आईपीएल इतिहास के सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में केएल राहुल की बराबरी कर ली है। राहुल ने 2018 में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हुए दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया था। कल मुंबई के खिलाफ मुकाबले में कमिंस ने अपना नाम भी इस लिस्ट में दर्ज कर लिया। वैसे इसमें हैरान होने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि ऐसी झलकियां पैट कमिंस आईपीएल के पिछले सीजन में भी दिखा चुके हैं। चाहे वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ ही बुमराह के एक ही ओवर में 4 छक्के लगाने की बात हो, या सीएसके के खिलाफ सैम करन के ओवर में 30 रन बनाने की बात हो, पैट कमिंस के बल्ले का कमाल फैंस पहले ही देख चुके हैं। इसलिए पैट कमिंस शायद आईपीएल इतिहास में सबसे अंडररेटेड बल्लेबाज में से एक हैं। आईपीएल में कमिंस का बल्लेबाजी रिकॉर्ड कुछ इस प्रकार है। आईपीएल में खेले गए 38 मैचों की 27 पारियों में पैट कमिंस ने 23.25 की औसत से 372 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक और 26 छक्के भी शामिल हैं। यही नहीं, उनकी स्ट्राइक रेट भी बेमिसाल रही है। आईपीएल करियर में स्ट्राइक रेट की बात करें तो पैट कमिंस कई बड़े नामों से आगे हैं। कमिंस की आईपीएल स्ट्राइक रेट 155 की रही है, जो कि कई जाने माने धुरंधर बल्लेबाजों से भी ज्यादा है। आईपीएल में पैट कमिंस बॉलिंग रिकॉर्ड की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। बॉलिंग में कमिंस ने कुछ खास जलवा नहीं दिखा पाए हैं। कमिंस ने 38 मैचों में 40 विकेट अपने नाम किए हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने 8.35 की इकोनॉमी से रन लुटाए हैं। मुंबई के खिलाफ भी कमिंस बॉलिंग में कोई खास छाप नहीं छोड़ पाए। उन्होंने 2 विकेट तो झटके, लेकिन इसके लिए उन्होंने 4 ओवर में 49 रन खर्च किए। भले ही कमिंस गेंद से कोई खास असर नहीं छोड़ पाए, लेकिन अपनी 15 गेंदों में 56 रनों की पारी से केकेआर के लिए सीजन के अपने पहले ही मैच में मैच विनर बन गए पैट कमिंस। पैट कमिंस को आईपीएल 2021 में केकेआर ने 15.50 करोड़ में खरीदा, लेकिन मेगा ऑक्शन से पहले टीम ने उनको रिटेन नहीं किया और रीसाइन करने का फैसला किया। 7.25 में उनको मेगा ऑक्शन में केकेआर ने रीसाइन किया। हालांकि आईपीएल प्राइस में पैट कमिंस की काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई, लेकिन उनके प्रदर्शन में कुछ भी गिरावट नहीं आई और उन्होंने बता दिया ना केवल वो गेंदबाजी में लेकिन बल्लेबाजी में भी दमखम रखते हैं टीम को जिताने के लिए। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्यौहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।